नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। आज हम खड़े हैं जंतर मंतर पे। आज हमारे साथ हैं सूरज कुमार बोध जी। आज हम उनसे पूछना चाहेंगे कि बाबा साहब ने जाति ऊंच नीच को, भेदभाव को कैसे ख़त्म किया। सबसे पहले आपको शुक्रिया और जय भीम, आपके चैनल को शुक्रिया। देखिए, जब हम बाबा साहब की बात करते हैं तो हमारे सामने ये चीज़ आता है कि जाति क्या है। क्या बाबा साहब की लड़ाई ऊंच नीच के खिलाफ थी, या बाबा साहब की लड़ाई जातिवाद के खिलाफ थी, या बाबा साहब की लड़ाई छुआछूत के खिलाफ थी। अगर हम याद करेंगे तो गांधी ने कहा था अछूतों उद्धार आंदोलन, यानी हम अछूतों का उद्धार करेंगे, अछूतों का भला करेंगे। तो बाबा साहब उससे सहमत नहीं थे। तो नेहरू आते हैं, उनसे थोड़ा सा प्रोग्रेसिव बनते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई कास्टिज्म के अगेंस्ट है, जातिवाद के खिलाफ है। तो बाबा साहब ने कहा कि जब जाति रहेगी तो जातिवाद भी रहेगा, और जाति रहेगी तो छुआछूत भी रहेगा। तो बाबा साहब ने जाति और छुआछूत से जातिवाद और छुआछूत से आगे हटकर उन्होंने जाति के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने किताब का नाम लिखा निलसन ऑफ कास्ट, विच मीन्स दैट हम जातियों का अंत कैसे करेंगे, जाति को खत्म कैसे करेंगे। तो जब बाबा साहब से पूछा जाता है कि जाति का खात्मा कैसे किया जाएगा, तो दुनिया में बहुत सारे किताब लिखे गए हैं कि जातियों को ख़त्म करने के लिए। बाबा साहब ने एक सिंपल तरीका बताया है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इज नॉट पॉसिबल अनटिल एंड अनलेस वी डजंट एनिहिलेट द होल रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑन विच कास्ट सिस्टम इज फाउंडेड, विच मीन्स जाति तब तक नहीं ख़त्म होगी जब तक हम उस धार्मिक संरचना को ख़त्म नहीं करेंगे जिस पर जातिवाद टिका हुआ है। जैसे अगर हम जातिवाद खत्म करना चाहते हैं तो हमको वर्ण व्यवस्था खत्म करना होगा। अब वर्ण व्यवस्था किस पर टिका हुआ है, हमको उस धर्मशास्त्र को खत्म करना होगा। इसलिए हमारी लड़ाई पूरी धार्मिक संरचना के खिलाफ है, महज छुआछूत के खिलाफ नहीं, महज जातिवाद के खिलाफ नहीं, पूरी धार्मिक संरचना के खिलाफ है। क्योंकि पत्ते तोड़ने से विष वृक्ष का पेड़ नहीं सूखेगा, इसलिए हमको जड़ पे अटैक करना होगा। इसलिए हम लोग धार्मिक संरचना पर चोट करते हैं, इसलिए जाति पर अटैक करते हैं। जाति पर मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे खूबसूरत किताब बाबा साहब ने लिखी है, जातियों का उन्मूलन, वो किताब हमको पढ़ना चाहिए। वो किताब में बाबा साहब स्पष्ट कहते हैं कि हम सबसे पहले जाति को ख़त्म करें। लंबे समय से एक सवाल किया जाता है कि अगर अंतरजाति विवाह किया जाएगा या सहभोज किया जाएगा, यानी ऊंच जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है, सो कॉल्ड लोअर कास्ट है, उनके साथ मिल बैठ के अगर हम लोग खाना खाएंगे तो जाति का अंत हो जाएगा। तो बाबा साहब ने स्पष्ट कहा था कास्ट कैन नॉट बी इरेडिकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंटर डिनिंग टेबल आर इंटर कॉस्ट मैरिज, यानी हम अगर सहभोज करते हैं, अंतर जाति विवाह करते हैं, उससे जाति खत्म नहीं होगा, कमज़ोर हो सकता है, उस पर एक अटैक हो सकता है, लेकिन ख़त्म नहीं होगा। ख़त्म तभी होगा जब हम धार्मिक संरचना को ख़त्म करेंगे, ख़त्म तभी होगा जब हम वर्ण शाही और वर्णवाद को ख़त्म करेंगे, वर्ण व्यवस्था को ख़त्म करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।